हेल्थ एंड फिटनेस इंडस्ट्री की जब बात आई, न्यूट्रिशनल इंडस्ट्री की जब बात आई, तो सीबक थोरन का नाम भी शामिल किया जाता है। YouTube पर आपको बहुत सी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें सीबक थोरन के फायदों के बारे में बताया गया है, और कई जगह तो इसको संजीवनी भी कहा जाता है क्योंकि बहुत से रोगों में ये दवा का काम भी करता है। अगर आपको याद हो तो काफी टाइम पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9 के बारे में बात की थी। हालांकि उसके बाद भी कई सारी रिसर्च हुई ओमेगा फैटी एसिड के बारे में। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद डिस्क्रिप्शन में जाकर या फिर आई बटन पर क्लिक कर देख सकते हैं। उस वीडियो पर इतने सारे कमेंट्स आए सीबक थोरन के बारे में जिसमें लोगों ने जानना चाहा कि सीबक थोरन हमारे लिए क्यों बेस्ट है ओमेगा फैटी एसिड के सोर्स के लिए, और कई लोगों ने इसके बारे में बताना भी चाहा, कई लोगों ने जानना भी चाहा। इसलिए सीबक थोरन के बारे में जानने के लिए यह वीडियो पूरा देखें। कुछ लोग वीडियो पूरा नहीं देखते और वही कमेंट में लिखते हैं जो मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका होता हूं। और जो लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए कमेंट करते हैं, प्लीज ऐसा मत करो। मैं किसी भी अपने सब्सक्राइबर को, किसी भी अपने व्यूअर को ऐसा प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं कर सकता जो उनकी हेल्थ के लिए सेफ ना हो। अब आप जो कमेंट में लिखते हो मुझे नहीं पता कि वो सेफ है या नहीं है, तो प्लीज ऐसा मत करो। और अगर कोई इन कमेंट पर जाकर इन कमेंट से अगर कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आप ऐसा ना करो, ये आपकी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। आज की इस वीडियो का हमारा उद्देश्य यह जानना है कि सीबक थोरन क्या होता है, इसके क्या क्या फायदे होते हैं, कहां से ये लिया जाना चाहिए, क्या क्या इसके नुकसान होते हैं और किन किन कंडीशंस में इसको नहीं लिया जाना चाहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे होगा यह कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँगा तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। सीबक थोरन एक स्मॉल हर्ब है जो कि हाई एल्टीट्यूड एरिया में, फॉर एग्जांपल हिमालयस और लेह लद्दाख साइड में ये होती है। इस प्लांट के लीव्स, फ्लावर्स, सीड्स, इसके फ्रूट्स को काफी पुराने टाइम से आयुर्वेदिक मेडिसिन में यूज किया जाता है। सीबक थोरन बेरीज का यूज जेलीज और सॉस बनाने में भी किया जाता है। सीबक थोरन के एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो ये मिनरल्स और विटामिन से रिच होता है। मिनरल्स में जहाँ फॉस्फोरस, कैल्शियम, आयरन और मैग्नीशियम होते हैं, तो वहीं विटामिन्स में B1, B2, B6, विटामिन सी और विटामिन ई पाया जाता है। और इसके अलावा इसमें मोनो अनसैचुरेटेड और पोलो अनसैचुरेटेड हेल्दी फैट भी होती है। मैं आपको बता दूं कि सीबक थोरन एक इकलौता ऐसा वेजिटेरियन सोर्स है जिसमें ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 पाया जाता है। और तभी आप देखना कि ओमेगा फैटी एसिड के सप्लीमेंट में सीबक थोरन सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 7 और ओमेगा 9 पाया जाता है। तो चलिए एक नज़र डाल लेते हैं सीबक थोरन से होने वाले फायदों के बारे में, और ये हमारी वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। शुगर के मरीजों के लिए, जिन लोगों को डायबिटीज है, उनके लिए सीबक थोरन किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसका रेगुलर सेवन इंसुलिन सेंसिटिविटी को और इंसुलिन सिक्रेशन को बढ़ा देता है। तो जिन लोगों को डायबिटीज है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज कोई सी भी हो, अगर वो इसका रेगुलर सेवन करते हैं तो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए सीबक थोरन बहुत ही हेल्पफुल साबित हो सकता है। इस बात को प्रूव करने के लिए कई सारी स्टडीज भी हुई और उनसे यह जानने को मिला कि अगर कोई हेल्दी पर्सन, अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति जिसको डायबिटीज नहीं है, वो भी अगर सीबक थोरन का सेवन करता है तो उसमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। सीबक थोरन में मौजूद कंपाउंड्स हमारी स्किन के लिए काफी फायदेमंद होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट स्किन के एजिंग प्रोसेस को कम कर देता है, यानी कि जो झुर्रियां आती हैं फेस पर वो काफी लंबे टाइम के बाद दिखाई देती हैं अगर आप सीबक थोरन का यूज करते हो। जहां विटामिन ई हमारी स्किन के लिए फायदेमंद होता है, तो वहीं सीबक थोरन का रेगुलरली यूज आपको सनबर्न से होने वाले नुकसानों से भी बचा सकता है। 7 दिनों में हुई एक स्टडी से हमें यह जानने को मिला कि सीबक थोरन का रेगुलरली यूज अगर हम अपनी स्किन पर इसको अप्लाई करते हैं तो ड्राइनेस काफी हद तक कम होती है, और तभी आप देख सकते हो कि कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में इसको ऐड भी किया जाता है। हमारे दिल के लिए भी सीबक थोरन कई तरह से फायदेमंद हो सकता है। ये ब्लड प्रेशर को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को इम्प्रूव करता है और ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को भी स्लो करता है। और कई सारी स्टडीज में भी ऐसा देखा गया कि अगर सीबक थोरन को अपनी डाइट में शामिल किया जाए तो इससे दिल संबंधी बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। सीबक थोरन हमें कई तरह के इन्फेक्शन से भी बचाता है, क्योंकि ये एक रिच सोर्स है फ्लेवोनॉइड्स का, और फ्लेवोनॉइड्स से हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है। एक टेस्ट ट्यूब स्टडी में ऐसा देखने को मिला कि सीबक थोरन ऑयल की वजह से ईकोलाई बैक्टीरिया की ग्रोथ काफी हद तक कम हो गई।
तो ऐसे में हम यह कह सकते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सी बकथोर्न ऑयल हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी बकथोर्न में पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड हेल्दी फैट होती हैं। इसके अलावा इसमें कार्टिनोइड्स और विटामिन ई भी मौजूद होता है। तो ऐसे में अगर इसका रेगुलरली सेवन किया जाए तो ये हमारे लीवर के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। सी बकथोर्न ऑयल में कार्टिनोइड्स, विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारी बॉडी से फ्री रेडिकल्स को रिमूव करते हैं। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर इसका रेगुलरली सेवन किया जाए तो ये हमें कैंसर के खतरे से बचा सकता है। लेकिन ये कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज नहीं हो सकता, ये हमें कैंसर से बचा सकता है। अब क्योंकि सी बकथोर्न ऑयल एक रिच सोर्स है मिनरल्स का, विटामिन्स का, इसके अलावा इसमें एंटीऑक्सीडेंट, पॉलीअनसैचुरेटेड और मोनोअनसैचुरेटेड फैट होती है। तो ओवरऑल ये हमारी हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद होता है। और इन सब के अलावा ये ड्राई आईज, कॉमन कोल्ड, एक्ने, अस्थमा, कफ जैसे प्रॉब्लम्स को ठीक करने में भी काफी मददगार साबित हो सकता है। अब क्योंकि ये कई तरह से यूज किया जाता है, कई सारे हेल्थ सप्लीमेंट में इसका यूज किया जाता है, कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम से ये हमें ठीक करता है, तभी इसको संजीवनी भी कहा जाता है। नो डाउट कि सी बकथोर्न हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोई भी साइंटिफिक एविडेंस अभी तक नहीं है जो ये 100% कह सके कि ये किसी प्रॉब्लम को आसानी से ठीक कर सकता है। सी बकथोर्न के फायदों की बात तो सभी करते हैं, तो चलिए एक नजर डाल लेते हैं कि इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं या क्या क्या साइड इफेक्ट इसकी वजह से देखने को मिले। सी बकथोर्न हमारे लिए काफी फायदेमंद होता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस देखने को नहीं मिला कि ये 100% हमारे लिए सेफ हो सकता है। तो अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है तो उसको यही सलाह दी जाती है कि वो सी बकथोर्न ऑयल का सेवन न करे। जब सी बकथोर्न ऑयल को मेडिसिन की तरह यूज किया जाता है तो ये ब्लड प्रेशर को कम कर देता है। और अगर आपको पहले से ही ऐसी प्रॉब्लम है कि आपका बीपी कम होता है तो आप इसका सेवन न करें। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने किसी हेल्थ एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछ सकते हैं। सी बकथोर्न ऑयल ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को स्लो करता है, तो ऐसे में अगर आपकी सर्जरी हुई है या वो होने वाली है तो आपको सी बकथोर्न ऑयल का सेवन नहीं करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि जिन लोगों की सर्जरी होने वाली है उनको 2 सप्ताह पहले ही इसको छोड़ देना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। किसी भी हेल्थ सप्लीमेंट या किसी नेचुरल प्रोडक्ट की डोज हमारे लिए काफी मायने रखती है। अगर इनको एक लिमिट डोज में लिया जाए तभी ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकते हैं। और अगर बात की जाए सी बकथोर्न ऑयल की डोज की, तो ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल एज, सेक्स या फिर कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन जिसमें इसको लेना चाहिए या इसको कम मात्रा में लेना चाहिए। जो लोग हाई एल्टीट्यूड एरिया में रहते हैं जहां सी बकथोर्न का प्लांट आसानी से मिल जाता है वो इसकी बेरीज को भी खा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे स्थान पर नहीं रहते तो सी बकथोर्न ऑयल के कैप्सूल ही सबसे बेस्ट माने जाते हैं। आप इन्हें मार्केट से परचेज कर सकते हो, किसी हेल्थ सप्लीमेंट के स्टोर से ले सकते हो। अगर आप ऑनलाइन परचेज करना चाहते हो तो मैंने कुछ अच्छे ब्रांडेड सप्लीमेंट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप उन्हें चेक कर सकते हो। लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि कमेंट बॉक्स में अगर कोई आपको ऐसा लिंक देता है कि आप वहां से सी बकथोर्न को परचेज कर लीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि ये आपके लिए सेफ नहीं है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, कोई सुझाव हो तो लिखकर बताइए। चैनल पर नए हो और इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑलवेज कर दीजिए। इससे हो गया कि जब भी मैं कोई नई वीडियो पब्लिश करूँ तो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप मुझे सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद।